फ्रेंड्स वेलकम कुक नेटवर्क विद अंजलि। और आज हम फिर से आ गए हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तो गाजर देख करके आप समझ ही गए होंगे कि क्या हम बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। तो ऐसे इस तरह से हम टुकड़ों में करके गाजर को डाल देंगे ग्रेटर में और इसे ग्रेट कर लेंगे। तो ये हलवा हमारा बहुत ही इजीली बन जाएगा। इस तरह से आपको चाहे जितना बनाना हो हलवा बन जाता है। थोड़ा और आसान तरीके से ग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मुझे वही ट्रेडिशनल स्टाइल ही पसंद है हलवा का ग्रेट करके ही। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको थोड़ा सा इसमें दूध डाल करके 1 कप हम इसे ग्रेट कर लेंगे और एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत महीन नहीं पीसेंगे ताकि बहुत अच्छे मतलब थोड़ा सा दाने दाने जैसा हो रहे, तभी हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें दूध डाल देते हैं और इसे बस पीस लें। और जिस तरह से आप हलवा बनाते हैं सेम वही प्रोसेस रहेगा। बस एक ईजी तरीका ये हो जाएगा कि आपको ग्रेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें बस वही यही स्टाइल अच्छा लगता है। और इस स्टाइल में जो स्वाद होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। आप बॉयल करके बनाइए दूध में या फिर ग्रेट करके बनाइए, लेकिन जो स्वाद इस तरह से ग्रेट करके बनाने में आता है वैसा हमें किसी भी तरीके में नहीं आता है। इसलिए हमने यहाँ पर गाजर को 3 किलो मैंने गाजर ली थी और उसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके यहाँ पर मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और इसलिए मैंने ये सारा प्रोसेस कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो चलिए अब गैस पे इसको भर के रख देते हैं स्लो गैस पे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें ऐसे ही सिंपल में भर के रख दूँगी ताकि अच्छी जितना भी इसमें पानी हो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद इसमें जो भी हमें ड्राई फ्रूट डालने होंगे और मावा डालना है या दूध डालना है, जो भी डालना है वो प्रोसेस मैं बाद में करूँगी। और अब यहाँ मैं मीडियम गैस पे इसे ढक दे रही हूँ अच्छे से। कम 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसको मैंने बीच बीच में चला भी दिया था तो इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रह गई है। आप देख सकते हैं ये देखिए, और पानी अब इसमें बिल्कुल नहीं है। अब इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसमें बारी आती है सारी चीज़ें ऐड करने की। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं 3 किलो गाजर थी हमारी, तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर करके ले ली है चीनी। तो अब इसको ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चीनी मिक्स डालने के बाद इसमें बहुत सारा पानी फिर से निकलेगा। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और फटाफट इसे चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है, लेकिन चीनी की वजह से इसमें काफ़ी सारा पानी छूटने लगा है। तो हाई फ्लेम पे रख के इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे फटाफट ताकि जितना पानी है वो सूख जाए। और ध्यान रहे इसे चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। वो कढ़ाई मैंने हलवा वाली जो कढ़ाई थी वो दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है और इस पर कुछ मैं ड्राई फ्रूट भी मैं भून रही हूँ। तो कुछ काजू ले लिए हैं मैंने, बादाम लिए हैं, बादाम को कट कर लिया। काजू मैंने साबुत ही रखे हैं, कुछ मैंने कट कर लिए हैं क्योंकि गाजर के हलवे में जब काजू जो जब साबुत दिखते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे हल्का से सुनहरे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लगभग 1/2 किलो दूध ले लिया है और वो इसे इसमें डाल देंगे। और सोया थोड़ा सा इसे मैंने गाढ़ा कर लिया था और अब यहाँ पे मैं थोड़ा और इसे गाढ़ा करूँगी ताकि एकदम हलवे में जो रबड़ी टाइप से बना के डालना है हमें ताकि इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो इसे गाढ़ा कर लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छे से इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे मैं कूट के डाल रही हूँ इलायची, तो वो भी उनका भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना तब इसमें डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा।
मैं फ्रेंड्स अगर इसमें मेवा मावा डालती हूँ तब भी इसी तरह से थोड़े से दूर से उसे मिक्स कर लेती हूँ, और फिर सारे ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर या फिर इलायची के दाने कूट के फिर उसके बाद इसी तरह से पका करके फिर डालती हूँ, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ ये तरीका आप लोगों के साथ भी शेयर करो। वैसे मैंने कई आसान तरीके शेयर कर रखे हैं अपने YouTube चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लेकिन सारी आसान तरीके ज़रूरी नहीं कि अच्छे ही हों। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध हमारा जो है वो अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे नारियल का बोरा एक आधी कटोरी, इसको भी मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा डाल दूँ, इसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके गाजर का हलवा और मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आ रहा है, देखने में ही मुंह में पानी आ जाएगा कि मन करेगा जल्दी से इसे बस खा ही ले। फ्रेंड्स यहाँ मैंने दोनों कढ़ाई का हलवा एक ही कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका कलर और ये देखने में अच्छा लगने लगा है। तो इसे अभी थोड़ा सा और इसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसे एक बर्तन में अच्छे से स्टोर करके रख लेंगे। आप इसे पूरी ठंड खाते रहिए, ख़राब भी नहीं होगा और हेल्दी और टेस्टी तो दोनों है। फ्रेंड्स वीडियो के बीच में आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या कमी रह गई है और कैसी बनी है हमारी वीडियो। अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हलवा है रेडी, और अब गैस को कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बनके तैयार है हमारा हलवा। अब इसे कैसरोल में करके रख देंगे, और जब भी इसे खाना होगा थोड़ा सा गरम कर लेंगे और फिर इसे खा सकते हैं आप, और हफ्ते दो हफ्ते तक इसे रख के खा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।